हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मृणाल कश्यप और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मृणाल सर में। बच्चों, आज ही आपके सीबीएसई क्लास 11th और क्लास 12th के जो सिलेबस है वो आए हैं। तो सिलेबस क्या है, इस चैप्टर वाइज कितने मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे और कितने देर का आपका पेपर होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्लास 11th की बात कर लेता हूँ कि क्लास 11th टर्म वन, देखिए दो टर्म में आपसे पूछा जाएगा, टर्म वन और टर्म टू। तो सबसे पहले मैं आपके टर्म वन की मैं बात करूँगा। तो टर्म वन में जो है आपके जो चैप्टर नेम है सेट एंड फंक्शंस, तो इससे आपके 11th मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अलजेब्रा से 13th मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलकुलस से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 40 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, इंटरनल असाइनमेंट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप 40 आपके थ्योरेटिकल बेस और 10 आपके इंटरनल असाइनमेंट से, तो टोटल कितना हो जाता है, 50 क्वेश्चन हो जाता है। टर्म टू की अगर मैं बात करूं तो सेट एंड फंक्शन से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से आपके 11th मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 9th मार्क्स के क्वेश्चन 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलकुलस से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। और इंटरनल असाइनमेंट इसमें भी आपके 10 मार्क्स के होंगे। तो जब आप टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये थी 11th के टर्म वन और टर्म टू के चैप्टर वाइज क्या मार्क्स होंगे इसके बारे में। अब मैं क्लास 12th के लिए मैं बताता हूँ कि चैप्टर वाइज क्या क्या मार्क्स होंगे टर्म वन और टर्म टू। मैं क्लास 12th की बात कर लूँ, टर्म वन में रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलकुलस से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स, ठीक है। और इंटरनल असाइनमेंट के आपके 10 मार्क्स होंगे। तो 40 आपके थ्योरेटिकल बेस्ड और इंटरनल असाइनमेंट से 10 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। अगर मैं टर्म टू की बात करता हूं बच्चों, तो टर्म टू में आपके कैलकुलस से पूछे जाएंगे कितना, तो 18 मार्क्स पूछे जाएंगे, वेक्टर एंड 3D से आपके पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के, और प्रोबेबिलिटी से आपका पूछा जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल जब आप ऐड करेंगे 18, 14 और 8, तो 40 मार्क्स का हो जाता है। और इंटरनल असाइनमेंट से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जब 40 प्लस 10 कितना होता है, 50, मतलब टोटल 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 80 आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे और 20 आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड होंगे। तो बच्चों, ये थी आपका इस वीडियो में मैंने ये बताया कि क्या चैप्टर वाइज क्या मार्क्स होंगे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी क्लास 12th में है या क्लास 11th में है, तो किस तरीके से जेई और नीट के को मैनेज करें ताकि आप जेई में भी सिलेक्ट हो पाए और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ले आ पाए, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको ये भी लग रहा है कि भाई अब पढ़ाई किस तरीके से करें, किस कौन से बुक से प्रैक्टिस करें ताकि हमारा जो 12th में मैक्सिमम स्कोर आ सके। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। बच्चों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि वहां से मैं आपके लिए सैंपल पेपर, जो भी मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने के लिए, तो आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दो ज्ञान ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना तो हमारा सेंटर पटना में MCM इंस्टीट्यूट आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको वहां से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आपको मैं बेहतर प्रिपरेशन कर पाऊंगा। और मैथ्स में मैं गारंटी करता हूं कि आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर पाओगे मेरे पढ़ाने के बाद। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।